तो इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 15 यानी कि टाटा आईपीएल 2022 के लिए बीसीसीआई ने ऑफिशियल तौर पर कंफर्म शेड्यूल अनाउंस कर दिया है कि आखिर आईपीएल 2022 किस तारीख से शुरू होगा और किस तारीख को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, सभी मैचेस कब कहां और कौन कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे और कितने मैचेस खेले जाएंगे सभी टीमों के बीच में, सभी टीम किन किन टीमों के खिलाफ मुकाबले खेलने वाली है। साथ ही साथ आईपीएल 2022 के लिए ग्रुप स्टेज भी अनाउंस हो चुके हैं, दोनों ही ग्रुप्स ऐलान कर दिया गया कि आखिर ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम है और ग्रुप बी में कौन कौन सी टीम है। जहां इस बार आईपीएल 2022 बिल्कुल अलग तरीके से होने वाला है, ग्रुप स्टेज में खेला जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो देखते रहें। गैरतलब है कि आईपीएल 2022 की तारीख अब कंफर्म और फाइनल हो चुकी है, इस मीटिंग में अंतिम फैसला बीसीसीआई ने ले लिया है। जहां अब आईपीएल 2022 26 मार्च 2022 से शुरू होने वाला है, इससे पहले ही जहां रिपोर्ट्स आ रही थी कि स्टार स्पोर्ट्स इंडिया चाहता है कि आईपीएल 26 मार्च से ही शुरू हो और बीसीसीआई चाह रहा था कि आईपीएल 27 मार्च से शुरू हो, लेकिन इस मीटिंग में बीसीसीआई ने तारीख कंफर्म कर दिया है जो कि अब आईपीएल 2022 26 मार्च 2022 सैटरडे से शुरू होने वाला है और इसका फाइनल महामुकाबला 29 मई 2022 संडे को खेला जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं ग्रुप्स के बारे में। तो इस बार आईपीएल 2022 में टोटल 10 टीमें जिसके चलते इस बार ग्रुप स्टेज में खेला जाएगा, यानी कि सभी 10 टीमों को दो अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जहां ग्रुप ए में 5 टीमें और ग्रुप बी में 5 टीमें हैं। तो ग्रुप ए में यह 5 टीमें जो कि मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। तो वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स, जबकि गुजरात टाइटंस, ये 5 टीमें ग्रुप बी में है। बात करें तो इस बार आईपीएल 2022 में टोटल 74 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके चलते इस बार डबल हेडर भी ज्यादा होने वाले, जहां बीसीसीआई ने फैसला लिया कि इस बार आईपीएल 2022 में टोटल 12 डबल हेडर मैचेस खेले जाएंगे, यानी कि एक दिन में दो मुकाबले 12 दिन खेले जाएंगे, जहां पहला डबल हेडर मैच आईपीएल शुरू होने के एक दिन बाद ही खेला जाएगा, यानी कि 27 मार्च 2022 संडे को। अब अगर हम बात करें आईपीएल 2022 के मैचेस के बारे में कि आखिर सभी टीम किस किस टीम के खिलाफ कितने कितने मैचेस खेलने वाली हैं, तो कुछ इस तरह से हैं सभी टीमों के मैचेस। तो मुंबई इंडियंस की टीम इन 5 टीमों से दो दो मैचेस खेलेगी, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स से, जबकि दिल्ली कैपिटल्स से, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स से, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ, पंजाब किंग्स के खिलाफ और गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं सीएसके की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ, पंजाब किंग्स के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ और मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो दो मैचेस खेलेगी, जबकि केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं आरसीबी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, सनराइजर्स हैदराबाद से, जबकि पंजाब किंग्स से, तो वहीं गुजरात टाइटंस से, जबकि राजस्थान रॉयल्स से दो दो मैचेस खेलेगी, जबकि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं केकेआर की टीम मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद से दो दो मैच खेलेगी, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स से, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस से दो दो मैचेस खेलेगी, जबकि पंजाब किंग्स, आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन सभी टीमों से दो दो मैचेस खेलेगी, जो कि पंजाब किंग्स से, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर और मुंबई इंडियंस, इन सभी से दो दो मैचेस खेलेगी, जबकि गुजरात टाइटंस, आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम आरसीबी, मुंबई, केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से दो दो मैच खेलेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस से दो दो मैचेस खेलेगी, जबकि हैदराबाद की टीम मुंबई, राजस्थान, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स से, पंजाब किंग्स से, आरसीबी से, सनराइजर्स हैदराबाद से और चेन्नई सुपर किंग्स से दो दो मैचेस खेलेगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस से एक एक मैच खेलेगी। तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स से, गुजरात टाइटंस से, आरसीबी, हैदराबाद और सीएसके से दो दो मैचेस खेलेगी, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस से एक एक मैच खेलेगी। अब अगर हम बात करें आईपीएल 2022 में क्राउड को लेकर कि आखिर दर्शकों
को एंट्री मिलेगी इस बार या फिर नहीं, कि आखिर आईपीएल 2022 में दर्शक मैदान में जाकर स्टेडियम में जाकर मैच देख पाएंगे या फिर नहीं। तो जहां इससे पहले आईपीएल 2021 में दर्शकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी, बिना दर्शकों के खेला गया था, लेकिन आईपीएल 2022 के लिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल और बीसीसीआई ने यह फैसला लिया कि आईपीएल 2022 में दर्शकों को एंट्री मिलेगी, यानी कि दर्शक मैदान में जाकर आईपीएल 2022 देखेंगे, बिना क्राउड के नहीं बल्कि क्राउड के साथ होगा इस बार आईपीएल 2022। तो इससे और भी ज्यादा इसका रोमांच बढ़ जाएगा। इस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही फैसला लेगा कि कितने परसेंट दर्शकों की एंट्री दी जाएगी आईपीएल 2022 के दौरान सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से। तो सभी फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आईपीएल 2022 26 मार्च 2022 से शुरू होने वाला है और 29 मई 2022 को इसका फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके मैचेस और स्टेडियम्स के बारे में, जो इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से बताने वाले कि सभी मुकाबले कब, कहां और कौन कौन से स्टेडियम में खेले। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आईपीएल 2022 में टोटल 10 टीम खेल रही है और सभी 10 टीमों के बीच टोटल 74 मैचेस खेले जाएंगे, जहां 70 मैचेस लीग स्टेज के खेले जाएंगे और 4 मैचेस प्लेऑफ और फाइनल के खेले जाएंगे। अब ऐसे में आईपीएल 2022 के सभी लीग स्टेज के मुकाबले महाराष्ट्र में ही खेले जाएंगे, 70 के 70 मैचेस, जहां 55 मैचेस मुंबई के 3 स्टेडियम में खेले जाएंगे तो वहीं 15 मैचेस पुणे में खेले जाएंगे। जहां मुंबई में 3 स्टेडियम है, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 20 मैचेस खेले जाएंगे, तो वहीं मुंबई के ब्राबौरने क्रिकेट स्टेडियम में 15 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में 20 मैचेस खेले जाएंगे। तो वहीं 15 मैचेस पुणे में खेले जाएंगे, जो कि पुणे के एमसीए यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 की सभी 10 टीम अपने 4 मैचेस मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेंगी, तो वहीं अपने 4 मैचेस मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी, जबकि 3 मैचेस अपने ब्राबौरने क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी, जबकि 3 मैचेस अपने पुणे के एमसीए यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेलेंगी। इस तरह से सभी 10 टीम अपने 14-14 मैचेस लीग स्टेज में खेलेंगी इन सभी वेन्यू पर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, जहाँ आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में यही सब फैसले लिए गए और हमने इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो ग्रुप ए में यह 5 टीम है, जो कि मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। तो वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स, जबकि गुजरात टाइटंस, ये 5 टीमें।